नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार पंकज है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिता श्री सुभाष चंद, माता श्रीमती मालती देवी हैं। वर्तमान में मेरा चयन UPPCS 2019 के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है तथा UPPCS 2018 के माध्यम से कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर मेरा चयन हो चुका है। क्योंकि बचपन से ही मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था और जो प्रशासनिक स्वरूप नायब तहसीलदार के पद के का होने के कारण मेरा झुकाव नायब तहसीलदार की तरफ ज़्यादा है। वर्तमान में मैं CAG के अंतर्गत कार्यालय महालेखाकार प्रयागराज में खंडीय लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग सिंचाई विभाग वाराणसी में है। मुझे प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा सर्वप्रथम मुझे मेरे पिताजी श्री सुभाष चंद से मिली थी। वे उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत वाराणसी में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जिनका कार्य पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होता है। और वे जब सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते थे तो लोगों को काफ़ी खुशी मिलती थी। कई बार ऐसा होता था कि जो लोग हमारे घर पे भी आते थे और उनकी समस्याओं का सामना मेरे पिताजी काफ़ी सक्षम तरीके से करते थे, जिससे उनको काफ़ी खुशी मिलती थी। यही देखकर मैं भी सोचा कि कहीं मुझे भी ऐसी जॉब करनी चाहिए जिससे कि मैं भी सरकारी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सकूं, जिससे कि लोगों को खुशी मिले। इसीलिए मेरा रुझान सिविल सेवा की तरफ बढ़ा। इसके अलावा मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय प्रेमचंद, जो ग्राम पुरधुरसा वाराणसी में कई वर्षों तक ग्राम प्रधान के पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने कई वर्षों में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को लागू करवाया, जिससे कि मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ इस तरह प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों की हेल्प करने में अपना योगदान देना चाहिए। मेरी जर्नी के दौरान मुझे कई उतार चढ़ाव देखने को मिला था, जैसे कि मैंने अपना इंटरमीडिएट गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज वाराणसी से किया तथा मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में BA करने के दौरान कुछ गलतियों और कुछ कमियों के कारण मेरा BA फर्स्ट ईयर में ईयर बैक अर्थात मैं फेल हो गया था, जिसके कारण मेरी काफ़ी आलोचनाएं हुई। लोगों का ये मानना था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपने मित्रों और अपने माता पिता भाइयों के सहयोग और प्रेरणा से अपने आप को मजबूत किया और अपने ग्रेजुएशन को सफलतापूर्वक सन 2010 में पास किया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मुझे कई बार लगा कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने कई अनिश्चितताओं का सामना किया। हमेशा और लोगों की स्थिति देख के लगता था कि वो इतने साल तैयारी किए उनका कुछ नहीं हुआ। तो मुझे भी लगता था कि मैं इतना साल तैयारी दूँ करूँगा और इतने पैसे खर्च करूँगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन एक तरफ मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं ईमानदारी से मेहनत से तैयारी करूँगा तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं इन भावों से मैं तैयारी करता रहा और सिविल सर्विसेज के परीक्षा के अलावा मैं अन्य परीक्षाएं जैसे SSC के परीक्षाएं भी देता था। SSC की परीक्षा के माध्यम से मेरा चयन ऑडिटर के पद पर भोपाल में हुआ। वहाँ पे शुरू में नौकरी लगने से मुझे टाइम मैनेजमेंट की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि
10 से 6 की जॉब करने के बाद घर पे आने के बाद काफ़ी थकावट के कारण प्रॉपर पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो शुरुआत में मैं पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गया था, लेकिन समय बीतने के बाद जो मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना था वो और प्रबल हुआ। उसके कारण मैंने तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी और इसी दौरान सन 2015 में कैग के अंदर मेरा चयन खंडी लेखाकार के पद पर वाराणसी सिंचाई विभाग में हुआ। इस दौरान जॉब के दौरान सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए थी टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कार्यालय में एक अलग माइंडसेट के साथ जॉब करते हैं जहां अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद घर आके अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए एक स्टूडेंट के माइंडसेट में जाना एक चैलेंज होता है। तो इनके एक प्रोफेशनल लाइफ और एक स्टूडेंट लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है होता है। हालांकि धीरे धीरे मैंने बैलेंस बनाना सीख लिया और उसका परिणाम शुरू यह रहा कि मेरा रिजल्ट आना शुरू हो गया। जॉब के साथ मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक फिक्स टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया और धीरे धीरे समय बीतने के साथ मेरी तैयारी इम्प्रूव होती गई और उसके अलावा मेंस में भी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ती गई। इस जर्नी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुझे मेरे ग्रुप का साथ रहा। मेरे ग्रुप के कई सदस्य जैसे श्री विश्वपाल सिंह ट्रेजरी ऑफिसर, श्री मनोज पटेल DPRO, श्री विपिन कुमार शिवहरे SDM, श्री पंकज पांडे मैनेजर इंडस्ट्री इन UP, श्री योगेश कुमार गौर SDM, श्री राम किशन भारद्वाज डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, श्री हिमांशु श्रीवास्तव कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, श्री लोकेश कुमार केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं। इन लोगों का मेरी तैयारी के दौरान बहुत ही अहम योगदान रहा है। हम लोग का एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी की तरह एक ग्रुप था जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाता था। जैसे कि अगर कोई ग्रुप का एक या दो मेंबर अगर पढ़ाई में लापरवाही करता था, ग्रुप के अन्य मेंबर उसको हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास करते थे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा उसको मोटिवेट करते रहते थे। उसके अलावा जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी करते थे और ग्रुप में हम लोग टेस्ट भी लिखते थे। ग्रुप में हम लोग कभी कई बार के ग्रुप में घूमने भी जाते थे। तैयारी के दौरान हम लोग हिमाचल प्रदेश में गए थे जहाँ पे हम लोग शिमला और मनाली और रोहतांग पास तक घूमे थे हम लोग। तो कुल मिला के देखा जाए तो ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरी लाइफ में। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी को एक छोटा या बड़ा डेडिकेटेड ग्रुप बनाना चाहिए। ग्रुप का मकसद होना चाहिए, ग्रुप की प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ग्रुप तो बना लेते हैं लेकिन ग्रुप के कुछ सदस्य बस अपने तक सीमित रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप में क्या होता है, सबका विकास देखना चाहिए। और अंत में एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी आलोचनाएं होती रहती हैं। कई लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं, आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त या पड़ोसी, कई लोग आलोचनाएं करते हैं। जब लंबे समय तक रिजल्ट नहीं आता है तो आलोचनाएं भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आलोचनाएं तो होती ही रहेंगी, मेरे साथ सबके साथ हर एस्पिरेंट के साथ आलोचनाएं सबसे कॉमन चीज़ है। तो हमें इन आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, हमें इन आलोचनाओं को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए और अपनी मेहनत डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं बीए पार्ट वन में फ़ेल हुआ था तो कहीं ना कहीं मैं अवसादग्रस्त हो गया था। मुझे लगता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा। इवन कुछ एकाध एकाध मेरे रिश्तेदार ने ये भी बोल दिया था कि अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम तो फेल हो गए। कई बार मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद भी बचपन से मेरा सपना था सिविल सर्विसेज में जाने का। तो कहीं ना कहीं उस सपने के कारण मैं अपने मेहनत करता रहा और अपने आप को आगे बढ़ाता रहा। और एक चीज़ मैं और भी यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं, कुछ लोग समस्याओं से घिरे हो जाते हैं तो मेहनत करना छोड़ देते हैं या पिलाप करने लगते हैं। ठीक है, अगर कभी विषम परिस्थिति आती है, दुख तो होता है, लेकिन उस विषम परिस्थिति के दौरान अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो और भी विषम परिस्थिति आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए विषम परिस्थिति के दौरान आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा अपनी स्थिति में सुधार करने का प्रयास करते रहिए। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलें, तो इसके लिए हम कई मोटिवेशनल किताबें या फिर मोटिवेशनल मूवी या कुछ अन्य मोटिवेशनल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं महात्मा गांधी की किताबों के अध्ययन करता था, उनकी उनके बारे में जानने से यह एहसास होता है कि एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बिना रुके बिना डरे अंग्रेजों के खिलाफ, उस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आगे बढ़ते रहे जो लगभग आधी दुनिया में थी। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो जो मेरे रोल मॉडल की तरह हैं, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। उनकी लाइफ में कई समस्याएं आईं, जैसे वे दलित कास्ट के होने के कारण उनको कास्टिज्म में झेलना पड़ा। उसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पे भी कई समस्याएं आईं, जैसे उनके कई पुत्रों की असमय काल मृत्यु हो गई। तो लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने लक्ष्य से भटकी नहीं, अपने आप को उस स्तर तक प्रिपेयर किया ताकि वह दलित और वंचित समाज के लोगों के लिए कुछ कर सके। और इसके अलावा अन्य लोगों के भी बारे में आप पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। समाज में ऐसे से लोगों के उदाहरण हैं जिनके बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा कष्ट तो कुछ नहीं उनके बाद मुकाबले, लेकिन फिर भी वो बहुत आगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशनल लोगों के बारे में जानना चाहिए और अपनी क्षमता अपनी स्थिति के अनुसार अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत आएंगी, लेकिन हमेशा परेशानियों से निकल कर या निकलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं मेरे इस वीडियो कारण अगर किसी एक का भी अगर कल्याण होता है तो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।